नमस्कार दोस्तों, कम्युनिटी टेक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पीएलसी के दूसरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आपने भी रियल लाइफ में ये सिनेरियो एक्सपीरियंस किया होगा कि बल्ब एक होता है बट हम लोग उसको दो जगह से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो आइए इसको एनिमेशन द्वारा और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप एक देख रहे हैं, यहाँ पे एक बल्ब है और दो स्विचेस हैं, दोनों जगह से हम इस बल्ब को ऑन या ऑफ कर रहे हैं। देखिए, या फिर आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक आदमी है जो ऊपर की ओर जाना चाहता है बट अंधेरे होने की वजह से इस स्विच को ऑन करेगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा और ये आसानी से ऊपर चला जाएगा। जैसे ही ऊपर चला जाएगा, बिजली की खपत को रोकने के लिए इस स्विच ट्यूब को प्रेस कर देगा और बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो आइए इस सर्किट को पीएलसी डायग्राम में कैसे बनाया जाता है वो हम लोग सीखेंगे। ये हमारे पास लोगो सॉफ्ट कंफर्ट पीएलसी का सॉफ्टवेयर है, इसके हेल्प में जाकर अबाउट में देखते हैं। ये हमारे पास लोगो सॉफ्ट कंफर्ट वर्जन 8.2.1 है, जो कि एक मेरे पास फुल वर्जन है। इस सॉफ्टवेयर को फुल वर्जन में कैसे डाउनलोड किया जाए, इसके ऊपर में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले फाइल पे चलते हैं, न्यू पे चलते हैं और लैडर डायग्राम पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम में हम लोग देख सकते हैं एक बल्ब है और दो स्विचेस है, इसका मतलब दो इनपुट है और एक आउटपुट है। तो यहां से हम लोग एक मेक कॉन्टेक्ट ले लेंगे जिसका एड्रेस I1 होगा। इसके कमेंट पे हम लोग लिख देते हैं स्विच 1 डाउन। ये हमारा स्विच 1 है जो कि नीचे की तरफ लगा हुआ है। ठीक उसी तरह हमें एक और मेक कॉन्टेक्ट की जरूरत होगी जिसका I2 होगा इनपुट। इसको हम लोग यहाँ डाल देते हैं। चलिए इसके प्रॉपर्टीज में जाकर इसको भी कमेंट में लिख देते हैं, ये कौन सा स्विच है, स्विच 2 अप। तो दोस्तों देखिए, हमने दो इनपुट ले लिया है, दो स्विच ले लिया है, तो हमें एक आउटपुट चाहिए होगा, एक बल्ब चाहिए होगा जो रिले कॉइल जिसको बोलते हैं लैडर डायग्राम में। इसके प्रॉपर्टीज में डाल देंगे, ये आउटपुट 1 होगा Q1, कमेंट में डालते हैं बल्ब। तो दोस्तों आइए इसको जोड़ते हैं, कनेक्शन कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों हमने दो इनपुट एक आउटपुट ले लिए। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए हमें इसकी लैचिंग करनी होगी, तो इसके लिए हमें एक ब्रेक कॉन्टेक्ट लेना होगा जिसका एड्रेस इनपुट 1 ही होगा, ओके। और एक ब्रेक कॉन्टेक्ट एक और लेना होगा जिसका इनपुट 2 होगा एड्रेस। आइए हम लोग इसको निकालते हैं। इसको इसके साथ जोड़ते हैं, इसको इसके साथ जोड़ते हैं और इसको आउटपुट के साथ जोड़ते हैं। तो दोस्तों हमारे ये लैडर डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, चलिए इसको सिमुलेट करके देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास दो स्विच है, इनपुट 1 जो कि हमारा डाउन स्विच है, इनपुट 2 हमारा अप स्विच है। मान लीजिए आप नीचे हो और आपको ऊपर जाना है, बल्ब अभी बंद है, तो आप स्विच 1 का स्टेट चेंज करेंगे जो कि एक डाउन वाला स्विच है, आप देख सकते हैं स्विच 1 डाउन है, तो ये बल्ब जल गया। अब आप ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे ही आप ऊपर जाएंगे बिजली की खपत रोकने के लिए आप स्विच 2 प्रेस करेंगे, यानी स्विच 2 का स्टेट चेंज करेंगे। जैसे ही आप स्विच 2 का स्टेट चेंज करोगे वैसे ही ये बल्ब बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।